गाइस वेलकम बैक टू दिस ऑसम वीडियो। एंड गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो। एंड यहां पे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बाद से आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा एंड आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से शॉर्ट्स को वायरल करते हैं। सो आप लोगों को बस कुछ भी नहीं करना है, बस यार 2-4 मिनट आप लोग बस वीडियो को आराम से बैठ के देख लो एंड फिर आप लोग देखना कितना ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने शॉर्ट्स वीडियो में। सो वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बट हाँ उससे पहले आज के हम अपने विनर को चेक कर लेते हैं। तो आज के जो हमारे विनर है वो क्रिएटर्स लाइट है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उनका दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ में आप लोगों को अगर सक्सेस चाहिए ना तो आप लोगों को उसमें मेहनत जरूर करना होगा। एंड अगर आप लोग शॉर्ट्स अपलोड करो एंड वैसा आप लोग सोच रहे हो कि कुछ भी अपलोड कर दूँ एंड वहाँ से मुझे व्यूज़ आने लगेंगे एंड सब्सक्राइबर आने लगेंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को वहाँ थोड़ी मेहनत जरूर करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं बहुत लोगों को चैनल देखता हूँ जो वहाँ पर शॉर्ट्स तो अपलोड किए रहते हैं बट उसमें कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी वहाँ लिटरली देखने को नहीं मिलता हमें। बस वो क्या करते हैं कि सीधे वो वीडियो को यहाँ पर ट्रिम करते हैं एंड अपलोड करते थे। गाइस ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर एडिटिंग करो उसके लिए भी आपको। एंड वहाँ पे आप लोगों को फनी चीज़ें ऐड करनी है जिस चीज़ के भी रिलेटेड। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फनी चीज़ें ही ऐड करो, जिस चीज़ के रिलेटेड आपका वहाँ पे शॉर्ट्स है आप वहाँ पे वो ऐड करो। एंड ऐड करने के बाद गाइस ऐसे आपको एडिटिंग करनी है वहाँ पे कि जैसे कि जो ऑडियंस की रिटेंशन है ना वो आपको एकदम लास्ट तक देखने को मिले। एंड शॉर्ट्स वायरल क्यों होती है गाइस, आप बहुत सारे शॉर्ट्स देखोगे ना, क्यों वायरल होती है? वो वायरल तभी होती है जब आप उसे लास्ट तक देखते हो। तो ये चीज़ आपको करना है गाइस कि शॉर्ट्स इस वे में क्रिएट करो कि जो आपका शॉर्ट्स वीडियो है ना लोग उसे एकदम लास्ट तक देखें। अब गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करना है। गाइज एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगती है एंड यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है ये सब टाइटल्स यूज़ करते हुए, जैसे सैमसंग A25, A6, A7 पता नहीं क्या क्या वो लोग एकदम लिखे हुए रहते हैं सैमसंग के, और पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है कि जो भी चीज़ ये अप्लाई करते हैं ना उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या चीज़ है इसमें मुझे भी पता नहीं है। आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन हाँ आप लोग भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में क्या जाता है गाइस, आप लोग एक बार ट्राई करना। एंड हाँ डेफिनेटली वर्क करेगा या नहीं करेगा वो मुझे पता नहीं है, बट हाँ टाइटल्स आपको इस तरीके से लिखना है क्योंकि गाइस टाइटल्स ही बहुत ज्यादा मेन होते हैं शॉर्ट्स में। एंड टाइटल्स आपको एकदम जो होता है ना क्लिकबेट वाली टाइटल्स वो आपको वहाँ पे ऐड करनी है ताकि लोग आपके जो शॉर्ट्स को देखें ना वहाँ पे शॉर्ट्स सेक्शन में तो उनको वो फीलिंग आए कि हाँ इस चीज़ को मैं ओपन करके देखूँ कि कैसा है। एंड रही बात डिस्क्रिप्शन सेट करने की गाइस, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टैग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि हाँ एक और चीज़ गाइस टाइटल्स में आपको हैशटैग शॉर्ट्स एकदम मैंडेटरी है गाइस, वो जरूर आप वहाँ पर ऐड किया करो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी चीज़ के रिलेटेड अपने वीडियोज़ बनाइए ना, जैसे गेमिंग के रिलेटेड अपने वीडियो बनाइए तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है कि सिंपली लिखना है हैशटैग गेमिंग, हैशटैग पबजी, हैशटैग फ्री फायर, जो भी चीज़ें आपने ऐड किया वो चीज़ उधर आपको लिखना ही होगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड सेम चीज़ आपको शॉर्ट्स में भी देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग सोचते हो कि हफ्ते में आप लोग 2-3 शॉर्ट्स अपलोड करके अपने वीडियोस को वायरल करा दोगे शॉर्ट्स को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गलत सोच रहे हो गाइस। फिर तो आप एकदम शॉर्ट्स अपलोड करना छोड़ ही दो। आप लोगों को क्या करना होगा कि एटलीस्ट आप लोगों को एक दिन में 3 से 4 शॉर्ट्स तो अपलोड करना ही होगा। एंड अपलोड एकदम वो भी ऐसा नहीं कि आप लोग गेम प्ले रिकॉर्ड किए एंड ट्रिम करके अपलोड कर दिए, एकदम प्रॉपर शॉर्ट्स एडिटिंग करके आप लोगों को करना होगा। फनी क्लिप्स वगैरह बहुत सारे यूट्यूब्स में मिल जाएंगे, बहुत यूट्यूबर प्रोवाइड करते हैं, आप जाके उधर से डाउनलोड कर लोगे। एंड अगर आप लोगों को शॉर्ट्स एडिटिंग आती नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दोगे तो मैं बता दूंगा कि आप लोग कितना अच्छे से फनी शॉर्ट्स एडिटिंग कर सकते हो। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, कंसिस्टेंट एकदम मेंटेन करके रखो। एक महीने में अगर आप लोग रिजल्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा ना तो आके मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक महीने तक आप लोग ये चीज़ ट्राई करो एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी एंड मुझे आशा है कि आप लोग ये चीज़ पॉइंट अपने वीडियोस में अप्लाई करोगे एंड अपने शॉर्ट्स में अप्लाई करोगे एंड आप लोगों को रिजल्ट वो जरूर देखने को मिलेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी जो चीज़ें आपकी डाउट होंगी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।